हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक कार में विशेषीला। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मेथी मटर और आलू की सब्जी। उसके लिए लिया है मैंने एक पैन और उसमें डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, इसे भी थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, इसको भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिया है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एक मीडियम साइज का आलू बारीक कटा हुआ, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मटर। और मेथी को मैंने बारीक तोड़ लिया है, इसे मैंने कट नहीं किया है। इसके जो सॉफ्ट वाले डंठल होते हैं ना, उसे भी हमें तोड़ लेना चाहिए। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम इसे काट के बनाएंगे ना, तो थोड़ी सी कड़वी ज़्यादा लगती है। और ऐसे भी ठंड के सीज़न में मटर, मेथी, ये सब तो सीजनल सब्जियाँ, एक साथ ना बने तो फिर मज़ा तो आता ही नहीं है। और फिर इन तीनों को अच्छी तरह से हमने अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए ये अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इसमें नमक अभी नहीं डाला है, अब सबसे लास्ट में इसमें नमक डालेंगे। और फिर से इसे चलाने के बाद मैंने और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक दिया है ताकि आलू भी पक जाए। मेथी की सब्ज़ी बहुत जल्दी जल्दी पक जाती है। फिर इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे। हमारी सब्जियां मोस्ट ऑफ पक चुकी है, बस हमने नमक डाली है, इसलिए 2 मिनट के लिए इसे हम और ढक देंगे और हमारी मेथी की सब्जी रेडी है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारी गर्मा गर्म मेथी मटर आलू की सब्जी तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। घर में मेथी मटर आलू की सब्जी बनाइए, खाइए और मज़े से सबको खिलाइए। बाय बाय।